हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के सेकंड पार्ट को कराएंगे, जिसमें इंडिया की 42 रामसर साइट्स को याद करने की ट्रिक बताएंगे। अगर आपने रामसर साइट की पहली वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे दिए गए लिंक पर फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं, इंडिया की 42 साइट्स कौन कौन सी हैं। तो हम इंडिया की जो 42 साइट्स हैं उसको हम स्टेट वाइज जो हैं एनालाइज करेंगे और ट्रिक के साथ उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी के सामने रामसर साइट्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट्स हैं, जिसमें पहली है होकेरा, दूसरी है बुलर, तीसरी है सुरिनसार मानसर लेक। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो वो है बुलर लेक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो इनको याद करने की हम माइंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि बात की कि जम्मू कश्मीर में 3 आपकी रामसर साइट्स हैं, तो हम याद करेंगे इस तरह से, जैसे संसार, में बैलगाड़ी से होकर जाएंगे। एक सेंटेंस है कि संसार में हम बैलगाड़ी से होकर जाएंगे। दिमाग में रख सकते हैं बैलगाड़ी से, क्यों? क्योंकि हम संसार को आराम से देखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं अगर कोई चीज़ धीरे चल रही होगी। और बैलगाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं बुलक कार्ट। गांव में अक्सर लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे पहले, आज की डेट में भी करते हैं बैलगाड़ी का यूज़। तो अब इस सेंटेंस में आपके तीनों के तीनों जो रामसर साइट्स हैं वो आ रही हैं। संसार से आपका आएगा सुरिनसार मानसर लेक। संसार सुरिनसार मिलता जुलता है, आपको ऑप्शन में देख करके आप आराम से टिक कर सकते हैं। बैलगाड़ी मतलब बुलर, बैलगाड़ी से हमने बना लिया है बुलर बैल, और संसार से हो गया है सुरिनसार, होकर से हो गया है होकेरा, हो के रा। तो संसार में बैलगाड़ी से होकर जाएंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे तो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में आपके 2 रामसर साइट्स हैं, एक है तिसो मोरीरी लेक, दूसरा है तिसो कार, जो कि 2020 में शामिल किया गया था। आपको 2019 और 2020 के अच्छे से याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखते हैं। लद्दाख की बात करें, लद्दाख इसका सेंटेंस हम याद रखेंगे मेरी कार से लद्दाख जाएंगे। देखो, अच्छे से तैयारी करोगे तो आपकी जॉब लगेगी, जॉब लग जाएगी तो आप कार तो डेफिनेटली ख़रीदेंगे, और जब भी कार खरीदेंगे तो उसको खड़ी तो करेंगे नहीं, कार लेकर के जाएंगे घूमने। और लद्दाख बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो जब हमारी कार आएगी, अपनी खुद की कार आएगी, तो मेरी कार से आपका हो जाएगा मोरीरी लेक, मेरी से मोरीरी, और कार से कार
और लद्दाख, तो आपके दोनों रामसर साइट इसमें कवर हो गए हैं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में तीन रामसर साइट्स हैं, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक और रेणुका वेटलैंड। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ट्रिक्स बन सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद भी रखनी है, तो ज़बरदस्ती के ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हम कैसे याद रखें, तो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, अब बात की पोंग डैम। पोंग डैम हम ऐसे ही याद रख लेंगे कि पोंग डैम कहाँ है। पोंग डैम है, एक डैम है पोंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम अब देखो पोंग हमें कैसे याद रखना है इसको, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश मतलब हिमालय, काफ़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही हमें क्या लगेगा, चंद्रमा पास दिखेगा। इस तरह से हम माइंड में रख सकते हैं, चंद्रमा ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो पोंग डैम से रेणुका को कोई फ्रेंड हो सकती है किसी की, रेणुका नहीं है तो बना लो। रेणुका को चंद्र दिखाएंगे। पोंग डैम से रेणुका को चंद्र दिखाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की तीन रामसर साइट्स हैं, चंद्र मतलब चंद्रताल, तो चंद्र से हो गया चंद्रताल। रेणुका से हो गया रेणुका वेटलैंड। पोंग डैम से पोंग डैम हो गया। अब बात करेंगे यूपी की, तो यूपी में आपकी आठ रामसर साइट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो किस स्टेट में हैं, वो यूपी में हैं। यूपी में आठ हैं, तो देखते हैं। अपर गंगा रिवर, तो आपको पता है गंगा जो है ज़्यादातर किस राज्य में बहती है, तो यूपी में बहती है। तो अपर गंगा रिवर ब्रज घाट से लेकर के नरोरा स्ट्रेच तक आपका जो साइट है वो रामसर साइट है। नवाबों का शहर आपको पता है लखनऊ है, तो नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी जो कि लखनऊ के पास ही है, 45 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी यूपी में है, तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, अर्गा अर्गा से आपका निकल के आ रहा आगरा, और आगरा हर किसी को पता है कहाँ पर है, यूपी में है, तो इसको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं समन वर्ल्ड सेंचुरी, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, सांडी वर्ल्ड सेंचुरी जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, समसपुर रायबरेली में है, समन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सरसई नवार लेक इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, सुर सरोवर इसी को बोला जाता है कीथम लेक जो कि 2020 में ऐड किया गया, आगरा में है। अब आपको तीन तो याद हो गए थे, अब बाकी की शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो कोई एक सैंडी है, आजकल संदीप को शॉर्ट नेम सैंडी बोलते हैं लोग, तो मान लेते हैं कोई फ्रेंड है हमारा संदीप, तो उसको हम बोलते हैं सैंडी, निकनेम दिया हमने। तो सैंडी जो है बहुत अच्छा जो है इंस्ट्रूमेंट के संदीप जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है गाने को गा लेता है। तो संदीप के पास क्या है, सैंडी सुर है उसके पास, और एक सार के साथ गाता है, सुर सार के साथ गाता है,
और उसके लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास जो भी सामान होगा, सामान कोई भी हो, उसी से वो गा बजा सकता है। तो हमने क्या यूज क्या याद किया? सांडी। फिर सुर से सुर सरोवर, सुर सरोवर। और सार से हमने याद किया सर साई। ये तीन आपको याद हो गए। और सामान यानी कि समन, समन वर्ड सेंचुरी। अब रह जाता है समसपुर। तो समसपुर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जगह भी है समसपुर और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ये वर्ड सेंचुरी पड़ती है। फिर बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरी के लेक, कंजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपड़ वेटलैंड। ये आपकी 6 रामसर साइट्स हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं पंजाब की। केशव और अंजलि दो लोग हैं, केशव और अंजलि दो लोग हैं। ये दो लोग नाग देखते हैं, तो क्या करेंगे? नाग देखकर हर किसी को डर लगता है। नाग देखकर रो पड़े और जब कोई खतरा सामने आता है तो किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। और हरि की आस में क्या करने लगे? जप करने लगे, जप करने लगे। अब देखते हैं कि इसमें आपकी जो 6 जो साइट्स हैं रामसर की, कौन कौन सी कवर हो चुकी हैं। तो केशव की बात करें तो बात आती है केशवपुर साइट, केशवपुर मियानी साइट। अंजलि से आती है कंजली या कांजली वेटलैंड। नाग से आती है नांगल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रोपड़े से आएगी रोपड़ वेटलैंड। हरी की आस, तो हरी की से हमें मिल जाएगा हरी के, हरी के। और आस से हमें मिल जाएगा ब्यास। और जप करने लगे मतलब पंजाब, पंजाब से लगभग मिलता जुलता है जप। तो ये सारी चीज़ें के जो 6 हमारी रामसर साइट्स हैं वो सारी पंजाब की हैं। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। इसको 2-3 बार भी रिवाइज करेंगे तो यह आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में आपके, पंजाब की तो बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कितनी आपकी वेटलैंड है? तो राजस्थान में आपके जो वेटलैंड साइट हैं वो 2 हैं सिर्फ, एक तो केवला देव और एक है सांभर। इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है केवला देव।
सांभर लेक कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सांभर लेक कहाँ पर है, तो सांभर लेक है राजस्थान में। तो देखते हैं कि इसको अगर शॉर्ट ट्रिक की, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक की इसमें ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये तो आपको अच्छे से याद हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम याद कर सकते हैं राजस्थान को। राजस्थान, राजस्थान में याद करेंगे जैसे राजा हमने निकाल लिया है राजस्थान से, राजा लोग केवल, सांभर खाते हैं। हम ये माइंड में रख सकते हैं कि जो राजस्थान के जो राजा लोग थे वो क्या खाते थे, सांभर खाते थे, सांभर खाते हैं। अब राजा से तो हो गया राजस्थान, और केवल से हो गया है केवला देव, केवल से आपका आता है केवला देव, और सांभर से आपका आएगा सांभर लेक। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक रामसर साइट है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 2020 में शामिल हुआ। तो इसको हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड खंड की बात हो रही है, तो खंड किस में होते हैं, जैसे रामायण में कई सारे खंड हैं, तो अखंड रामायण होती है, तो अखंड रामायण जब होती है तो हम लोग आसन बिछा करके बैठते हैं, तो हम इसको बहुत ही आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं, आसन और खंड अखंड रामायण से कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं असम। असम में एक है जिसका नाम है डीपोर बील, बील भी एक लेक होता है, तो डीपोर लेक भी बोल सकते हैं और डीपोर बील भी बोल सकते हैं। तो असम की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, देखते हैं। असम, असम की चाय पीकर, आपको पता ही होगा कि चाय के उत्पादन में असम नंबर वन है, असम की चाय पीकर लोग एक लोग डीप में चले जाते हैं, डीप में मतलब खो जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, डीप में चले जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छी जब चाय बनती है, और असम की चाय तो वैसे भी फेमस है, तो हम लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तो थोड़ा डीप में चले जाते हैं। तो यहीं से आपका, यही आपकी ट्रिक है कि असम में, असम चाय के लिए नंबर वन है, और उसको पीने के बाद हम लोग थोड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तो डीप में चले जाते, थोड़ा गहराई में चले जाते हैं, तो डीपोर बील। आई होप आपको ये आसानी लग रही होगी अब याद करने में, आपको ये रटने नहीं है, रटो आप, अगर इसको रटते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा, हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम पर आप रिवीजन भी ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ याद करेंगे तो आपको, आप ऑप्शंस के थ्रू और इसको रिवीजन भी करेंगे तो आपको तुरंत ही माइंड में क्लिक कर जाएगा। अब बात करते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा तो त्रिपुरा में एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है रुद्र सागर, लेकिन हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, तो त्रिपुरा, अब समझना, त्रिपुरा तो त्रिनेत्र किसके होते हैं, शिव जी के होते हैं त्रिनेत्र, त्रिलोक की भी बोल सकते हैं, त्रिदेव भी बोल सकते हैं, त्रिदेव में सबसे रौद्र रूप किसका है, शिव जी का है, त्रो त्रिदेव का रुद्र रूप शिव जी हैं। शिव जी हैं, और रुद्र से हमें याद आएगा रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक।
मणिपुर में एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है लोकटक। बहुत ही इजीली हमें याद हो जाएगी। आपको पता है कि लोग सबसे ज़्यादा लोग आसपास किसके होते हैं? जिसके पास मनी होती है। अब ये कड़वा सत्य है, जब मनी होती है, जब मनी होती है तभी लोग आसपास होते हैं। अब लोक की बात हो रही है तो लोक से निकल के आया लोक, लोक तक, लेक, तो आप तक यानी कि लोक तक वही होते हैं जब मनी होती है। तो मनी से मणिपुर और लोक से लोक तक। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में दो वेटलैंड हैं, एक तो आता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और दूसरा आता है सुंदरबन। सुंदरबन हर किसी को पता होना चाहिए कि सुंदरबन कहाँ पर हैं। तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह सुंदरबन पड़ता है, और अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही आपका, बिहार की बात करें तो बिहार में आपका एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है कंवर ताल या कंवर ताल वेटलैंड। आपने सुना होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एक राजा थे, राजा कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह जो हैं वो किससे, किस स्टेट से रिलेटेड हैं 1857 की क्रांति में? बिहार से रिलेटेड हैं। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कंवरताल कुंवरताल, राजा कुंवर और कंवरताल को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर बिहार की बात करें, बिहार राजा कुंवर सिंह, और ये सच्ची बात है, ये आपको याद होना चाहिए, राजा कुंवर सिंह लीडर हैं अठारह सौ सत्तावन क्रांति के। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में, और कुंवर से निकल के आता है कंवर ताल। अब हम याद करेंगे उड़ीसा की रामसर साइट्स। तो उड़ीसा में दो रामसर साइट्स हैं, एक तो है भितरकनिका और दूसरा है चिल्का लेक। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि ट्रिक से कैसे याद होगी, तो देखते हैं। अब देखो उड़ीसा, ओडीसा, तो जैसे कि आपकी जब जॉब लगेगी तो आप कार खरीदेंगे, तो ओडी एक अच्छी कार है, तो ओडी खरीदने के बाद हम क्या करेंगे? जब ओडी खरीदेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को दिखाएंगे नहीं, हम अपनी गली में तो दिखाएंगे। तो हमारी गली थोड़ा अंदर की तरफ पड़ती है, हो सकता है कि आप सभी की पड़ती हो, नहीं पड़ती तो किसी दोस्त के यहाँ चले जाना, उनकी गली अंदर पड़ती होगी। तो ओडी खरीदेंगे या खरीदने के बाद, ओडी खरीदने के बाद कार को या उसे भीतर तक, भीतर का मतलब होता है थोड़ा अंदर तक लेकर के आना,
भीतर तक चला कर लेकर आएंगे, चला के लेके जाएंगे। अब ओडी खरीदेंगे तो सबको दिखाएंगे तो ज़रूर, ओडी मतलब उड़ीसा, कार को भीतर तक चला के लेके जाएंगे। और भीतर से आता है आपका भीतर कनिका, भीतर कनिका वेटलैंड, नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। चला के यानी कि चिल्का मिलता जुलता है कुछ है, चिल्का मतलब चला के लेके जाएंगे। तो आपके दो वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं उड़ीसा की। अब बात करेंगे एमपी की, तो एमपी में एक ही वेटलैंड है जिसका नाम है भोज वेटलैंड्स। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि एक राजा भोज हुआ करते थे जो कि परमार डायनेस्टी से रिलेटेड थे, जिनका रीजन था मालवा, जो कि एमपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो उन्हीं के नाम से ये भोज वेटलैंड्स है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि परमार डायनेस्टी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या थी, तो परमार डायनेस्टी की कैपिटल थी धार। तो ये पॉइंट्स हम नोट करा देते हैं। तो राजा भोज, ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजा भोज परमार डायनेस्टी से थे, जिनका क्षेत्र था मालवा। मालवा एमपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इन एमपी मध्य प्रदेश। परमार डायनेस्टी यानी कि जो राजा भोज हैं, इनकी जो कैपिटल थी धार। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दो रामसर साइट्स हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, नंदूर माथमेश्वर और दूसरी है लोनार लेक। लोनार लेक वेरी इम्पोर्टेंट, याद करने का तरीका देख लेते हैं। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र नंदू ने महाराष्ट्र बैंक से लोन लिया। नंदू ने महाराष्ट्र बैंक से लोन लिया। तो नंदू से आपका हो जाएगा नंदूर वेटलैंड, और लोन से हो जाएगा आपका लोनार लेक। अब बात करेंगे गुजरात की, तो कुछ हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक जरूरी नहीं कि बन ही जाए, कुछ हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे गुजरात का हम याद कर लेंगे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में एक ही वेटलैंड साइट है, वो है कोलेरू लेक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। कोलेरू लेक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में एक है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। याद कर सकते हैं तमिलनाडु से कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्यों करते हैं दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज है, तमिल काफ़ी टफ है और वो तमिल में ही बात करना पसंद करते हैं। अब अगर वो हिंदी भाषी वाले राज्यों में आएंगे तो
तो क्या करेंगे, कम से कम बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फिर बात करेंगे केरल की। केरल में आपके तीन रामसर साइट्स हैं, एक है अस्थमुडी वेटलैंड, दूसरा है सस्टम कोटा लेक, तीसरा है वमनाड कोल वेटलैंड। वमनाड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि वमनाड कहाँ पर है, तो केरल में है। इसको भी याद अगर करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, तो हम याद कर सकते हैं जैसे कि अष्टम षष्ठम, सब एक जैसे संस्कृत जैसे वर्ड मिल रहे हैं, अष्टम षष्ठम। अब आपने देखा होगा कि जो भी हमारे जैसे कि राफेल जो भी एरोप्लेन बनते हैं, जैसे राफेल आया तो बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन का है, कुछ बोलते हैं फोर्थ जनरेशन का है, तो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें आती हैं। तो हम मान सकते हैं कि केरल के लोग जो हैं एक बम बना रहे हैं जो तुम्हारे किस जनरेशन के हैं, षष्ठम और अष्टम जनरेशन के हैं। तो इस तरीके से हम माइंड में इसको रख सकते हैं। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 42 राइम साइट्स, तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं आपकी 42 रामसर साइट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इनको बार बार रिवाइज़ करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।